हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में। इसमें हम 2D पढ़ा रहे हैं, जिसमें 2D में हम इलिप्स आपको पढ़ा रहे थे। तो इलिप्स में हमने इससे पिछली क्लास में क्या क्या निकाला था, हमने इससे पिछली क्लास में किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या आती है हमारी, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, वेयर बी इज लेस देन ए, ठीक है। एंड इफ बी इज ग्रेटर देन ए था, तब क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये कब कंडीशन थी, जब व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये हमने दो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी इलिप्स की, ठीक है। उसके बाद हमने नाभि यानी फोकाई निकाला था इलिप्स का, क्या था, ए ई कोमा जीरो या माइनस ए ई कोमा जीरो। दो फोकाई हो सकती है इलिप्स की, एक निकलेगी ए ई कोमा जीरो, दूसरी माइनस ए ई कोमा जीरो, ठीक है। हमने नियता भी निकाली थी, नियता की समीकरण क्या होती है, नियता की समीकरण एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई के इक्वल होती है। एंड हमने इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम यानी नाभिलंब की लंबाई भी ज्ञात की थी, वो किसके इक्वल आई थी, 2b स्क्वायर अपॉन a के, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको ध्यान में रखते हुए इलिप्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यदि जो नाभि आपकी फोकाई यानी नाभि क्या दी हुई है, नाभि दी हुई है माइनस वन कोमा वन, ठीक है। नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स की समीकरण दी है एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी नियता की समीकरण है। तथा इसेंट्रिसिटी दी हुई है, यहां पे इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता 1/√2, ठीक है। तो आपको ऐसे इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ऐसे दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात करनी है जिसकी नाभि माइनस वन वन हो, नियता एक्स माइनस y प्लस फोर के इक्वल हो, ठीक है। तथा जिसकी उत्केंद्रता 1/√2 हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें याद पता है कि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इस केस में क्या होता कि इस केस में हम सिर्फ a और b की वैल्यू ज्ञात करते और यहाँ पे पुट कर देते, लेकिन ये केस, इस केस में हम बाय द डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स हम यहाँ पे समीकरण ज्ञात कर सकते हैं दीर्घवृत्त की परिभाषा से। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या होती थी, देखिए दीर्घवृत्त में मान लीजिए आपका दीर्घवृत्त है, ठीक है, ये फोकाई है S, तो और एक ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। एक फिक्स बिंदु S जिसको हम नाभि बोलते थे, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन थी जिसको हम नियता बोलते थे, ठीक है। तो इलिप्स की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो एक फिक्स पॉइंट से जिसकी दूरी अपॉन एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से दूरी का जो अनुपात है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो 1 से छोटे होनी चाहिए, ठीक है। मींस यदि ये पॉइंट P यहां पे है तो P की S से दूरी PS अपॉन P की M से दूरी PM इज इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी E जिसका मान हमेशा 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स, इसी से हम यहां पे इलिप्स की समीकरण को ज्ञात करेंगे, ओके। तो देखिए आप यहाँ पे PS की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
आप कोई पॉइंट मान लेंगे पी, माना एक पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। देखिए यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है ऑलरेडी, तो जो ये बिंदु है इनको आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे एच एंड के ले लिया, मान लीजिए एच एंड स्मॉल के, ठीक है। तो माना पी ऑफ एच के एक दीर्घवृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। तो यहां जो दीर्घवृत्त की क्या परिभाषा कहती है कि पी एस अपॉन पी एम लिख देंगे यहां पे, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, ठीक है। अब मेन मुद्दा आपका ये रह गया कि आपको पी एस की डिस्टेंस याद करनी है और पी एम की डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये लेंथ निकालनी है, ये लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो देखिए जब आपको दो बिंदु दिए होते हैं तो आप उनकी डिस्टेंस किस तरीके से याद करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। हमने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे हम ये दूरी याद कर लेंगे, इसी प्रकार ये दूरी याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम पी एस को याद करते हैं, देखिए पी एस क्या होगा, एस क्या है आपका नाभि है, जो कि हमें माइनस वन वन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको नाभि सॉरी पी दिया हुआ है आपको एच के, एंड एस दिया हुआ है आपको माइनस वन वन। तो आप पी एस को कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच माइनस माइनस वन का होल स्क्वेयर, यानी एच में से हम घटा देंगे माइनस वन को, इसका होल स्क्वेयर कर देंगे यहाँ पे, प्लस के माइनस वन का होल स्क्वेयर, ठीक है। पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट एच प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वेयर। तो ये आपकी पी एस की दूरी आ जाएगी, यानी पी एस डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगेन देखिए आपको पी एम ज्ञात करनी है, यानी ये लंबाई निकालनी है। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स है जेड के, ठीक है। ये नियता है जिसकी समीकरण दी है आपको, नियता की समीकरण एक्स माइनस वाई प्लस फोर, ये आपको नियता की समीकरण दी है और ये आपकी नियता है एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो नियता क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, ठीक है। और इस पी बिंदु से इस सरल रेखा पर ये लंब डाला गया है पी एम, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि पी एम क्या है, लंब है नियता पर, ठीक है। तो पी एम की जब लंबाई निकालेंगे तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे कि एक प्लेन में किसी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पर लंब किस प्रकार निकाला जाता है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, और ये पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है। इस पॉइंट को मान के चल रहे प्लेन में, पॉइंट पी है एक्स वाई, और ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो पी से इस पर ये लंब जो डाला गया है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पी एम की लंबाई आएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स और वाई ऑलरेडी है, तो ये एच एंड के मान लीजिए इनको, ठीक है। तो एक्स और वाई की जगह एच के पुट करेंगे तो ये आएगा पी एम की लंबाई ए एच प्लस बी के प्लस सी का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशियंट का होल स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर प्लस वाई का कोफिशियंट यानी बी का होल स्क्वेयर। कोफिशियंट मीन्स गुणांक, ठीक है। एक्स के गुणांक का होल स्क्वेयर प्लस वाई का गुणांक का होल स्क्वेयर का अंडर रूट। तो ये आ गया आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू दिस स्ट्रेट लाइन। इसी प्रकार हम यहां से निकालेंगे, इस पी से जेड के पर ये लंब डाला गया है आपका, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम कैसे निकलेगा, तो पी एम आ जाएगा आपका, ये क्या है, नियता की समीकरण है एक्स माइनस वाई प्लस फोर,
और जो पी बिंदु ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं हम एच के, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई की जगह एच और के पुट करेंगे तो यह आपका आएगा निकल के एच माइनस के प्लस फोर अपॉन इसका मॉडुलस अपॉन एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे गुणांक वन, तो वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशियंट क्या है माइनस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा मॉडुलस एच माइनस के प्लस फोर अपॉन वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी अंडर रूट टू, ठीक है। तो ये पी एम की डिस्टेंस निकल के आ गई। तो आपके पास हमारे पास देखिए पी एस की डिस्टेंस है, पी एस की डिस्टेंस क्या है ये वाली और पी एम की डिस्टेंस ये है। तो पी एस और पी एम की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा देखिए अंडर रूट एच प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन पीएम की जो डिस्टेंस है वो कर देंगे तो ये अंडर रूट टू ऊपर चला जाएगा, अपॉन में बचेगा मॉडुलस एच माइनस के प्लस फोर और इधर आ जाएगा ई, ठीक है। ई की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ई की वैल्यू सेंट्रिसिटी की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू दे रखी है, तो हम इस वन अपॉन अंडर रूट टू को यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा वन अपॉन अंडर रूट टू, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे जब, किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए ये मॉडुलस दे रखा है, इसका मतलब जब कभी भी मॉडुलस एक्स होता है इसकी वैल्यू एक्स आती है यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो, और माइनस एक्स आती है यदि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो। लेकिन मॉडुलस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही समझाने के लिए था, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो आगे देखिए तो ये आएगा आपका h प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू अंडर रूट टू अपॉन h माइनस k प्लस फोर का मॉडुलस इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू, ये था, ठीक है। अब इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो लिख लेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो करेंगे वो वर्ग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा h प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट टू का होल स्क्वायर टू अपॉन h माइनस k प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ठीक है। तो आपस में आर पार गुणा करने पर ये क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर यानी फोर अंडर रूट एच प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में के माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ये टर्म इधर चली जाएगी एच माइनस के प्लस फोर का होल स्क्वायर, ओके। इसको सरल कर लीजिए तो ये आएगा आपका फोर एच स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एच प्लस के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के, और ये इधर आ जाएगा एच माइनस के प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो ये आगे देखिए फोर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू एच माइनस टू के और वन और वन टू, ठीक है। ये इधर हम इसको एज इट इज लिखेंगे एच माइनस के प्लस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आगे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं और ये भी आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपकी निकल के आ गई इक्वेशन
ऑफ एन इलिप्स। अगेन आप एच और के की जगह एक्स एंड वाई पुट कर देंगे तो ये आगे सॉल्व होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है कि निम्न दीर्घवृत्तों की नाभियां उत्केंद्रता नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको एक इक्वेशन दे दी है दीर्घवृत्त की, इलिप्स की समीकरण दे दी है, ठीक है, उसके आपको नाभि यानी फोकाई निकालना है, उत्केंद्रता यानी सेंट्रिसिटी निकालना है, नाभिलंब यानी लेटस रेक्टम निकालना है, ठीक है, उनकी लंबाइयां ज्ञात करनी है, नाभि उत्केंद्रता नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको नाभि अगर फोकाई हमने निकाली थी अगर वो याद हो उसका फॉर्मूला, तो हमारा जो नाभि क्या निकल के आया था, ए ई कॉमा जीरो या माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये निकल के आई थी। ठीक है, उत्केंद्रता क्या आया था आपका, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी ई के इक्वल था, इसको किस रिलेशन से निकालेंगे, इसको जनरली नहीं दिया हुआ होता तो जनरली हम समीकरण को हमेशा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो हम यही स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं इलिप्स की, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे आगे। तो जब इसेंट्रिसिटी की बात होती है, ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम ए और बी का मान देखेंगे, यहां से चेक करेंगे कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यदि बी ग्रेटर देन ए है, उस केस में ए स्क्वेयर का मान बी स्क्वेयर वन माइनस ई स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। देन ए और बी की वैल्यू अगर हमें पता है तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं उत्केंद्रता की। ठीक है, और यदि केस नंबर दो, यदि बी की वैल्यू ए की वैल्यू से छोटी हो तो उस केस में बी स्क्वेयर का मान निकालते हैं हम ए स्क्वेयर वन माइनस ई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ज्ञात करते हैं, वो यहां पे भी उसी तरीके से देखेंगे ए और वैल्यू की, ए और बी की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो उसके आधार पर हम उत्केंद्रता की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड हमें निकालना है नाभिलंब की लंबाई। ठीक है, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए कि लेटस रेक्टम की जो लंबाई, नाभिलंब की लंबाई निकाली थी हमने, क्या थी, नाभिलंब की लंबाई टू पी स्क्वेयर अपॉन ए के इक्वल थी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद करने के बाद हमें इसको इजीली निकाल लेंगे। अब करना क्या है, देखिए आपको दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, तो आपको इस इक्वेशन दी है इलिप्स की, इसको इस फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। ठीक है, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर अपॉन वन बाय फोर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर फोर एक्स स्क्वेयर को इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन वन बाय फोर, क्योंकि ये सरल करेंगे तो ये फोर ऊपर चला जाएगा वन नीचे रह जाएगा, है वही चीज, इसी चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन वन बाय फोर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वन बाय नाइन और इधर वन रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना एक्स स्क्वेयर अपॉन वन बाय फोर को लिख सकते हैं हम वन बाय टू का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वन बाय नाइन को लिख सकते हैं वन बाय थ्री का होल स्क्वेयर और ये इधर आ जाएगा वन। देन यहां से ए की वैल्यू निकल के आ गई आपकी वन बाय टू एंड बी की वैल्यू निकल के आ गई वन बाय थ्री, तो यहां से आप देख सकते हैं इजीली कि वन बाय टू वन बाय थ्री से बड़ी वैल्यू होती है, यानी ए की वैल्यू आपकी आ गई बी से बड़ी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। इस केस में आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आती है इलिप्स की वो ये आती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर a बी से बड़ा है तो उस केस में हम
जो उत्केंद्रता है उसकी इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उत्केंद्रता नाभि देखिए, नाभि किसके बराबर आ जाएगा, नाभि में सबसे पहले जो ई की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी हमें। तो ई की वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन में दिया है, सबसे पहले निकालेंगे हम इसेंट्रिसिटी। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, इस इक्वेशन में देखिए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वन माइनस ई स्क्वेयर, ये हम सब जानते हैं। तो बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे, देन सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये आएगा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वेयर। ठीक है, आगे ई स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वन माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, आगे ई स्क्वेयर को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस बी की वैल्यू क्या है, वन बाय थ्री, तो वन बाय थ्री पुट कर देते हैं, वन बाय थ्री का होल स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, वन बाय टू, यानी वन बाय टू का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, ई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय नाइन इंटू फोर बाय वन। ठीक है, ये वन बाय नाइन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फोर बाय नाइन आएगा। तो ये आ गया आपका वन माइनस फोर अपॉन नाइन, आगे सॉल्व करके ये आएगा आपका फाइव अपॉन नाइन। तो ई स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आपकी फाइव अपॉन नाइन। ठीक है, यहां से ई की वैल्यू निकालेंगे आप अंडर रूट फाइव अपॉन नाइन, यानी अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये आपकी ई की वैल्यू आ गई। तो यहां आगे करते हैं हम क्वेश्चन को, देन यहां से आपकी ई की वैल्यू निकल के आई है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री, ये इसेंट्रिसिटी आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फोकाई, फोकाई यानी नाभि, नाभि निकालना है तो उसका सूत्र याद होना चाहिए ए ई कॉमा जीरो या माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, तो यहां से एक ए का मान रख दीजिए, ई का मान रख दीजिए, देन सॉल्व कर दीजिए। ए का मान क्या है, वन अपॉन टू, और ई का मान अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री कॉमा जीरो। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, अंडर रूट फाइव अपॉन सिक्स कॉमा जीरो या माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन सिक्स कॉमा जीरो। तो ये आपका आ गया फोकाई यानी नाभि। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लेटस रेक्टम यानी नाभिलम्ब। इसको किस तरीके से याद करेंगे, देखिए नाभिलम्ब का आपको पता है सूत्र क्या होता है, नाभिलम्ब की लंबाई, सॉरी की लंबाई, नाभिलम्ब की लंबाई क्या होती है, बी स्क्वेयर अपॉन ए, टू बी स्क्वेयर अपॉन ए होती है। ठीक है, तो अपन यहां वैल्यू पुट कर देंगे, टू इंटू बी की जगह वन बाय थ्री का होल स्क्वेयर अपॉन ए की जगह वन बाय टू। तो ये सरल करके आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टू इंटू टू अपॉन वन इंटू वन बाय नाइन, तो ये आंसर आएगा आपका फोर बाय नाइन। ठीक है, ये आपका आ गया फोर बाय नाइन, किसकी लंबाई आई है, ये नाभिलम्ब की लंबाई फोर बाय नाइन। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आपको इसी के इलिप्स के ही कुछ क्वेश्चन और लेंगे। ओके।